एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा के फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं सुबह ना 5 बजे उठ गई थी। हम लोग सब 5 बजे उठ गए थे क्योंकि दीदी लोग सब आ चुकी है, दीदी बापू सब आ गया है। और सुबह भी देख सकते हो पूरा बाहर ना अंधेरा टाइप का है पूरा, मतलब ठंड भी बहुत लग रहा था। सुबह उठने पर बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। बाबू तो इनर पहन के आया था और इधर मैं गर्मा गर्म चाय चढ़ाई हुई थी सब लोग के लिए। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेरा चाय चढ़ा हुआ है और सब लोग रूम में बैठे हुए रूम में बैठ के बात कर रहे हैं। और यहाँ उसके बाद मैं चाय ढा रही थी और दीदी ना मतलब चाय वहाँ से ले के आई थी, गरम गरम चाय था तो वही ढार उसमें मैं चाय पत्ती डाल के खौला दी थी थोड़ा सा। और वो तो गरम था ही, रात को ही लेके आई थी ना, तो वो गरम था तो उसी वही चाय सबके लिए चला था। और पापा के लिए बिना चीनी का चाय बना था, तो ये मैं उसमें शुगर फ्री डाल के और पापा के लिए चम्मच से हिला दी थी। और उसके बाद यहाँ देख सकते हो फिर से मैंने अलग से मतलब चाय जो बनाया था उसमें चीनी डाल रही हूँ। और यही चाय मैं पापा को दे के आई थी। रूम में पापा लेटे हुए थे और उस रूम में सब लोग बैठे हुए थे, मतलब बाबू, परी सोई भी थी, फिर भी परी भी उठ गई थी। परी भी मौसी उसकी आई थी तो परी भी उठी गई थी, खेलने लगी थी। और उसके बाद उठने के साथ साथ वो ना पापा पापा बहुत मतलब पापा पापा कर रही थी, उसको लगा था कि पापा आए हैं या तो पापा को खोज रही थी। तो उसके बाद फिर दीदी लोग को देख के उसको थोड़ा सा मतलब थोड़ी देर तक अनजान जैसा लगा। उसके बाद ना सबके साथ घुल मिल गई। उसके बाद ना छत पे गई मैं ब्रश करने के लिए। मुझे अकेले मतलब पता नहीं, मन मतलब बहुत टेंशन टेंशन है, उतना अच्छा मन नहीं है, मतलब उदास उदास टाइप का मन लग रहा है, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं सुबह सुबह जो से आधा 1 घंटा जाके छत पे अकेले इधर से उधर घूम घूम के सोच रही थी और ब्रश कर रही थी सुबह के टाइम। और जैसा कि देख सकते हो उधर से अभी सूर्य देवता भी नहीं निकले हैं, सूर्य देवता भी अब निकलेंगे, मतलब रोशनी तो सुबह सुबह ये ना 6 बजे का वीडियो, 6 बजे मैं छत पे गई थी ब्रश करने और इधर से इधर पूरा छत पे घूम घूम के ब्रश कर रही थी और सोच रही थी। मन में छत पे रहते हैं ना, अकेले जब रहते हैं तो बहुत सारी बातें मन में चलती है, बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब अकेले में सोचने का मन करता है और सोचने मतलब शांत लगता है। उसके बाद दिमाग मतलब कुछ टेंशन कम हुआ। और उधर देख सकते हो सूर्य देवता निकल रहे हैं आप धीरे धीरे, तो वो रोशनी बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह के टाइम ठंडा लग रहा था इसी की वजह से मैं शॉल ओढ़ी हुई थी। और उसके बाद वहाँ पे ही ना छत पे ही एक नल है तो वहीं पे मैं ब्रश कोलगेट मतलब वहीं पे ब्रश कभी कभी कर लेती हूँ। छत पे जाती हूँ टहलने के लिए तो नींद सुबह सुबह खुल जाता है, तब तो मैं छत पे ही ब्रश कर लेती हूँ क्योंकि छत पे टहल भी लेती हूँ उतना देर। और उसके बाद ब्रश भी मेरा हो जाता है। उसके बाद भी परी भी अभी सोई भी नीचे खेल रही थी मौसी लोग के साथ और उसके नाना भी आए हुए थे, सब लोग घर में है। और उसके बाद फिर नीचे आके मैं झाड़ू पूरा बरेंडा में ना झाड़ू देने लग गई, झाड़ू उड़ू दे के। और उसके बाद अंदर सब रूम में झाड़ू दिया मतलब दे चुकी थी और लाइट से एक तक तो लाइट चलाई थी क्योंकि उतना लाइट अभी रोशनी अभी आ नहीं रहा था क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था। और जिस रूम में सब लोग बैठे हुए थे उस रूम में झाड़ू नहीं दिया गया था, नहीं कि अंदर वाला रूम उस रूम में झाड़ू दिया गया था। और बाहर मैं बाहर तक झाड़ू उसको करते करते निकल जाऊंगी। यहाँ पे गाइस फिर से आ गई मैं चाय बनाने के लिए, मतलब चाय ना कोई कभी बच जा रहा था कभी कोई बच जा रहा था, तो ये मैं फिर से आ गई यहाँ पे चाय बनाने के लिए। और बैठी हुई थी, मन नहीं लग रहा था तो बैठ के सोच रही थी। और एक तरफ देख सकते हो कढ़ाई चढ़ा हुआ है तो खाना की तैयारी चलेगी। अभी भी चाय मतलब ना अभी शायद किसके लिए चाय बन रहा है, हाँ सब 2-3 जन मतलब बच गए थे तो उसके लिए चाय बन रहा है, पापा के लिए भी बनेगा। पापा भी चाय 3-4 बार पी लेते हैं बिना चीनी का चाय,
ज़्यादातर बिना चीनी का ही चाय पीते हैं। तो यहाँ देख सकते हो चाय मैंने ढारा और इसमें ना शुगर फ्री मिला के दे दूंगी। यहाँ बाबू देख सकते हो ब्रश कर रहा है, ये ना मतलब ये बाबू भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता है। और यहाँ पे मैं चाय और चीनी डाल के बिना चीनी वाला चाय जाके पापा को दे दी थी, और उसके बाद ना चीनी वाला चाय, उसके बाद सब लोग हम लोग पियेंगे। तो चाय मेरे घर सुबह सुबह ये 4 से 5 बार बन चुका है। सुबह सुबह चाय सबसे ज़्यादा चाय बनाया। वहाँ पे देख सकते हो सब्जी लेके रखे थे पापा, सब्जी आई थी मतलब गेट पे बेचने के लिए, तो सब्जी वहाँ से ले आया था। सब्जी विष्णु पापा राजा ले लिए थे, ढेर सारा सब्जी था, पत्ता गोभी था, धनिया मिर्च, ये सब सब चीज़ था। और मम्मी भी ने भी मार्केट से सब्जी लेके आया था। और उसके बाद मैं प्लेट में करके चाय ले गई थी कि चाय, फूफा लोग भी आई हुई थी, तो फूफा लोग के चाय यहाँ पर नाश्ता में पापा ला चुके थे। तो यहाँ बाबू के लिए नाश्ता निकल चुका है, पूरी और सब्जी जलेबी लाए थे। ये परी का ब्रश दिखा रहा है, चेक कर रहा है, इसको बहुत अच्छा लगा बाबू को। तो मैंने बोला कि बाबू के जैसा तुमको भी ले देंगे। तो यहाँ पे सब लोग नाश्ता कर रहे थे, पूरी सब्जी चले भी। और यहाँ पे परी देख सकते हो, परी क्या कर रही है, परी भी पूरी खा रही है। और यहाँ पे अपना जूता खोलने की कोशिश कर रही, जूता ना जूता उसको ना मतलब नहीं हो पा रहा था, इसलिए जूता खोलने के लिए हल्ला कर रही थी मम्मा। मम्मा तो मैं यहाँ पे आके परी को जूता पहनाई थी, खोली थी, परी से यहाँ बैठी हुई है, फोन देख रही है और पूरी खा रही है। हाँ बाबू उसको तंग कर रहा है बाबू के साथ खेलने के लिए, उसको ना मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, बहुत मतलब डरती रह रही है अभी, पता नहीं, देख सकते रोने लगी, छीन लिया ना इसी के वजह से रोने लगी। ये जान रही मेरा ब्रश है। और फिर मैं यहाँ पहुँच गई, सब्जी सब ना फ्रिज में रखने के लिए जो हरा सब्जी बताए थे जो पापा ने लिया था वो गमला में ही ले लिए थे। और उसका धो अभी मैं नहीं धोऊंगी, एक ही बार बनाने के टाइम धोऊंगी। साग, पालक साग बहुत ज़्यादा लिया आया था, पालक साग 2 केजी लिया गया था, तो नीचे वाला पूरा भर गया था। और उसके बाद पालक साग ना रात को बनेगा, अभी तो नहीं बनेगा, अभी देखते हैं आगे, बहुत सारा काम अभी बाकी है। उसके बाद ना यहाँ पे आलू छिलाया था, आलू घर की रोटी नहीं, सब सब्जी बनाने के लिए, आलू की सब्जी, आलू और गोभी की सब्जी बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे आलू को छील के और उसका सब्जी चढ़ा दूंगी। और वहाँ पे स्ट्रॉबेरी रखा हुआ है, वो दीदी बाबू का था, बाबू खाता है तो बाबू के लिए निकाली थी दीदी। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आलू सब छील लूंगी, उसके बाद खाना सब बनाऊंगी। उसके बाद आज बहुत सारा काम है, अब तो काम धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि होली आ रहा है नजदीक में, तो काम बढ़ रहा है। और मैं अपनी बेटी को, अपनी परी परी को जाके तैयार वैयार करूंगी, परी को कपड़ों का चेंज करूंगी। और ये देख सकते हो पापा का सलाद कट चुका है, पापा सलाद सुबह सुबह सलाद डेली खाते हैं, डेली खाना बहुत पसंद है, पापा पसंद भी है और मजबूरी भी है कि डायबिटीज में ना सुबह सुबह सलाद खाने से बहुत फायदा करते हैं, इसलिए इसलिए सलाद यहाँ था। आप परी को देख सकते हो, परी कितनी क्यूट लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है मेरी प्रिंसेस। ये ना चॉकलेट खा रही है, ये फ्रॉक ना नया नया फ्रॉक आज पहन के बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा सबको दिखा रही थी, सब घूम घूम के सबको दिखा रही थी। नहीं नहीं और गाएंगे। परी ना मतलब चॉकलेट कौन लाया? मेरी बेटी में ना मेरी मौसी जान अटकती है, मतलब सबसे ज्यादा चॉकलेट दुनिया कौन में मैं लाया? किसी से प्यार मौसी करती हूँ तो ये अपनी भैया बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मतलब इसके बिना मेरा ना आधा घंटा के नहीं 10 मिनट भी नहीं बीत सकता। ये जब सोई भी रहती तब लगता है कि सो गई बेचारी, सो गई। और फिर जगी भी रहती है तो लगता है अरे कि सो अरे जाती तो पापा ठीक आए रहता, इधर, और सो जाती तो बहुत अफसोस अरे लगता है, मेरा घूमते डेली यही है, अफसोस लगता है मुझे जब वो सो पापा, जाती अरे है। तो किधर गए पापा? गाइस ये देख सकते हो तो परी कैसी लग रही है इस फ्रॉक में, कितनी प्यारी लग उधर रही है, गए यहाँ पे नाना के साथ परी खेल रही है। तो गाइस आज पापा, आज के अरे ब्लॉग बेटा के में बस पापा, इतना ही, बाय अरे बाय। पापा।